सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये जो आप वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि हमारी मेहनत सफल रहे। आज का जो टॉपिक है, भगवान बुद्ध ने बताया क्या होता है मृत्यु के बाद, तो इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जानना चाहते होंगे। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। भगवान बुद्ध से उनके शिष्य अक्सर मृत्यु को लेकर तरह तरह के सवाल पूछा करते थे। बुद्ध हमेशा इस सवाल को टाल देते थे। एक बार उनके शिष्य ने इस सवाल का जवाब जानने की ठान ली। उसने पहली बार सवाल किया तो बुद्ध हंसकर टाल गए। उसने एक बार फिर पूछा तो उसे अनदेखा करते हुए बुद्ध दूसरे शिष्य की ओर मुखातिब हो गए, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने एक बार फिर पूछा तब बुद्ध ने उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाया। शिष्य ने जब बुद्ध से सवाल पूछा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल किया। उन्होंने शिष्य से पूछा कि मान लो तुम्हारे शरीर में कहीं से तीर आकर लग जाए, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? शरीर से तीर निकालोगे या फिर यह पता करोगे कि तीर कहाँ से आया है और किसे मारने के लिए छोड़ा गया था? शिष्य ने कहा, भगवान, मैं पहले उस तीर को शरीर से निकालूंगा और घाव पर मरहम पट्टी करूँगा। जीवन में आए बुद्ध ने शिष्य की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। हमें जीवन मिला है जीने के लिए और हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में इतना दुख है, हमें अपनी ऊर्जा उन दुखों के निवारण में खर्च करनी चाहिए, ना कि यह सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा। शिष्य भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था, उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि भगवान बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद में क्या होता है। अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आप तक ही सीमित ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, नमो।